नमस्कार। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमारे पास जो साइन इनवर्स फंक्शंस बनेंगे उनकी जो ये रेंज होंगी, ये वाली रेंजेज आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। इसके अलावा आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये टेबल पढ़ ही चुके हो, तो अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे मैंने यूज किया प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस इससे बाहर आ जाता है, तो ये बनता है हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए माइनस बाहर आ गया। 1/2 देख लेते हैं, साइन पे 1/2 वैल्यू कहां पे बन रही होती है? पाई बाय 6 पे। तो 1/2 की जगह लिखा जा सकता है माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 को रिप्लेस कर रहा हूं 1/2 को लिखा जाता है साइन पाई बाय 6। सो ये बन जाएगी वैल्यू साइन पाई बाय 6 साइन और साइन इनवर्स। यदि मेरे पास ये वैल्यू कहां पे बन रही हो? इसके अंदर बन रही हो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर, तो ये कैंसल आउट होके वैल्यू आ जाती है सिर्फ ये अंदर वाली, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस पाई बाई 6। सेकेंड क्वेश्चन में कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। √3/2 कोस के अंदर होती है हमारे पास वैल्यू पाई बाय 6 पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स √3/2 की जगह लिखा जा सकता है कोस पाई बाय 6। क्लियरली हमारे पास पाई बाय 6 जो है 0 से लेके पाई के अंदर होता है, तो यहां पे ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होके ये हमारे पास मिलेगा पाई बाय 6। आपको ये वैल्यूज कैंसिल आउट करके नहीं दिखानी, कोस इनवर्स को कोस से कैंसिल आउट नहीं करना, ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेल्युएट करना है कोसिकेंट इनवर्स 2 को। 2 देखते हैं, कोसिकेंट में 2 की वैल्यू होती है पाई बाय 6 पे, तो हम यहाँ पे 2 की जगह लिख सकते हैं कोसिकेंट पाई बाय 6। क्लियरली पाई बाय 6 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैंसिल आउट होंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 4 में टेन इनवर्स -√3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये इक्वल टू होगा माइनस टेन इनवर्स √3 के, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास √3 10 के अंदर √3 वैल्यू होती है पाई बाय 3 पे, तो यहां पे √3 की जगह लिखा जा सकता है 10 पाई बाय 3। ये आपके पास 10 इनवर्स और 10 कैंसिल आउट होके वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 3, तो आंसर होगा इसका माइनस पाई बाय 3, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू आपके पास लाई कर दिया माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए ये दोनों कंपोजिशंस कैंसिल आउट होंगी और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 5 में कोस इनवर्स -1/2 इवेल्युएट करना है। हमें पता है प्रॉपर्टी कि माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा कोस इनवर्स से, लेकिन साथ में क्या और आ जाएगा आपके पास पाई। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है कि कोस इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद यहां पे वैल्यू रख लेते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस के अंदर देखिए आपके पास 1/2 कहां पे बन रहा है, पाई बाई थ्री पे, तो 1/2 की जगह लिखा जा सकता है कोस पाई बाई थ्री। आपके पास ये दोनों कंपोजिशंस कैंसल आउट होंगी तो वैल्यू बचेगी पाई माइनस पाई बाय थ्री। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा थ्री पाई माइनस पाई, थ्री पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू पाई बाय थ्री इसका आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में टेन इनवर्स माइनस वन इवेल्युएट करना है, ये इक्वल टू होगा माइनस टेन इनवर्स वन की, बिकॉज यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। माइनस बाहर आ जाता है आपके पास टेन इनवर्स के अंदर। अब देख लेते हैं वन, टेन की वैल्यू वन बनती है पाई बाय फोर पे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं वन की जगह टेन पाई बाय फोर। टेन इनवर्स और टेन इनवर्स कंपोजिशंस हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर सेवन में सेकेंड इनवर्स टू बाई रूट थ्री वैल्यूएट करना है, टू बाई रूट थ्री देखते हैं सेकेंड में हमारे पास वैल्यू बनती है पाई बाय सिक्स पे, तो हम यहाँ पे सेकेंड इनवर्स और टू बाई थ्री की जगह लिखा जा सकता है सेकेंड पाई बाय सिक्स, और ये वैल्यू होगी आपके पास इक्वल टू पाई बाय सिक्स। क्वेश्चन नंबर एट में कोट इनवर्स रूट थ्री वैल्यूएट करना है, तो कोट इनवर्स को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, रूट थ्री देखेंगे कि आपके पास कोट के अंदर वैल्यू कहां पे बन रही है पाई बाय सिक्स पे, तो यहां पे रूट थ्री की जगह हम लिख दें कोट पाई बाय सिक्स, और ये आपस में कैंसल आउट होने के बाद वैल्यू मिलेगी पाई बाय सिक्स। क्वेश्चन नंबर नाइन में इवेल्युएट करना है कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू को, तो ये इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाय टू, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम कोस इनवर्स माइनस एक्स की बात करते हैं तो ये इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाई टू देखते हैं कि आपके पास कोस में वैल्यू कहां पे बन रही है पाई बाय थ्री पे, तो यहां पे वन बाई टू की जगह लिखा जा सकता है कोस पाई बाय थ्री। कोस इनवर्स से कोस कैंसल आउट होगा, वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाय थ्री। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा थ्री, टू पाई माइनस पाई आपके पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा थ्री, थ्री पाई माइनस पाई इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर टेन में कोसेकेंट इनवर्स माइनस रूट टू इवेल्युएट करना है, माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा कोसेकेंट इनवर्स से, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस कोसेकेंट इनवर्स रूट टू, बिकॉज यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स के। इसके बाद चेक करेंगे रूट टू, कोसेकेंट इनवर्स में रूट टू आपके पास वैल्यू बनती है पाई बाय फोर पे, तो रूट टू की जगह लिखा जा सकता है कोसेकेंट पाई बाय फोर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये टर्म इवेल्युएट करके बतानी है कि किसके इक्वल आएगी। इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो हम फॉर्मूले जानते हैं, तो अगर किसी के अंदर माइनस है तो पहले माइनस को बाहर लेंगे, तो ये वाली टर्म हमारे पास बनेगी टेन इनवर्स वन को एज इट इज लिख रहा हूं
इस केस में हमारे पास ये माइनस बाहर आएगा, आने के साथ साथ पाई और आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाय टू प्लस, यहां से भी आप माइनस बाहर लीजिए तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू टेन इनवर्स वन वैल्यू होती है टेन के अंदर पाई बाय फोर पे, तो यहां पे लिखा जा सकता है टेन पाई बाय फोर प्लस ये पाई बाय फोर एज इट इज पाई एज इट इज माइनस कोस इनवर्स वन बाय टू, कोस के अंदर वन बाय टू वैल्यू होती है पाई बाय थ्री पे, तो इसे लिखा जा सकता है कोस पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू, देखते हैं साइन में वैल्यू होती है पाई बाय सिक्स पे, तो इसे लिखा जाता है साइन पाई बाय सिक्स, ये वैल्यू हमारे पास बनेंगे पाई बाय फोर प्लस पाई, इसे मैं लिख दूं पाई बाय वन, ये आई मेरे पास पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास बनेगा ट्वेल्व, ये वैल्यू आई थ्री पाई प्लस ट्वेल्व पाई, ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आएगा फोर, तो ये वैल्यू बनी माइनस फोर पाई और ये माइनस टू पाई, इवैल्यूएट कर देते हैं माइनस के हो गए हमारे पास सिक्स पाई और प्लस के बन रहे हैं फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स जाएगा नाइन, तो वैल्यू बनी है नाइन पाई बाय ट्वेल्व, कैंसल आउट कर देते हैं थ्री से तो आएगा थ्री पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमें वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है, सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास कोस इनवर्स वन बाय टू को कोस की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो वन बाय टू की जगह लिखा जा सकता है कोस पाई बाय थ्री, तो यहां पे लिख देते हैं कोस पाई बाय थ्री, सिमिलरली चेक करेंगे कि वन बाय टू को साइन की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है साइन पाई बाय सिक्स, ये वैल्यू आएंगी पाई बाय थ्री, ये ध्यान रखना है ये कंपोजिशन आपके पास कोस इनवर्स और कोस तभी कैंसिल आउट होकर पाई बाय थ्री देंगे, यदि ये पाई बाय थ्री यहाँ पे कोस के अंदर देखे जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है, वैल्यू को माइनस अगर किसी क्रम के अंदर आ रहा है चाहे कोस में आ रहा है साइन में आ रहा है वो बाहर निकाल लिया पहले ही, तो ये वैल्यू बनेगी पाई बाय थ्री और ये वैल्यू बनेगी टू इंटू पाई बाय सिक्स, कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो गया पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री, तो वैल्यू बनी है टू पाई बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्टीन में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, पूछ रहा है कि वाई कहां पे बिलोंग करेगा, इसके लिए देखिए आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन यहां से लेके यहां तक बनता है, जबकि साइन इनवर्स के ऊपर कोई भी हम एक्स वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में, तो हमारे पास क्लियरली वाई कहां पे बिलोंग करेगा, लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन होता है माइनस वन कोमा वन से लेके माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, तो y की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से लेस देन इक्वल टू का भी साइन आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट आपके पास क्लोज दे रखी है, तो ये भी आपके पास लास्ट वाली ब्रैकेट भी क्लोज दे रखी है, तो y की वैल्यू लाई करेगी माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के
बीच में, तो इसका आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 14 में हमें ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो क्या करते हैं पहले इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। हमें पता है ये वैल्यू होगी टेन इनवर्स रूट थ्री, रूट थ्री देख लेते हैं, टेन में आपके पास कौन सा है पाई बाय थ्री पे, तो रूट थ्री की जगह निकाल सकते हैं पाई बाय थ्री, माइनस को यहीं पे रख रहा हूं और इससे माइनस को बाहर आएगा साथ में पाई और आएगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई बाय थ्री माइनस पाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा आपके पास प्लस सेकेंड इनवर्स टू की वैल्यू देख लेते हैं सेकेंड के अंदर कहां पे बनती है, टू हमारे पास बन रहा है पाई बाय थ्री पे, तो यहां से लिखा जा सकता है सेकेंड पाई बाय थ्री, तो ये वैल्यू बनेगी पाई बाय थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाय थ्री, एलसीएम ले लेते हैं थ्री बना यह आएगा पाई, वन से डिवाइड करेंगे थ्री को थ्री, तो ये बना माइनस थ्री पाई प्लस पाई, ये हो गए प्लस के हमारे पास टू पाई और माइनस के हैं थ्री पाई, तो वैल्यू आई माइनस पाई बाय थ्री, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू।